नागपुर जिले की 13 तहसीलों में कुल 768 ग्राम पंचायतों में से उपचुनाव सहित 377 ग्राम पंचायतों में 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में पारशिवनी एवं रामटेक तहसील की कुल 49 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। पारशिवनी तहसीलदार रंजीत दूसावार के अनुसार पारशिवनी तहसील अंतर्गत कुल 17 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा, जबकि रामटेक तहसील अंतर्गत कुल 2 उपचुनाव सहित कुल 32 ग्राम पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। ग्राम पंचायतों में 16 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ 5 नवंबर को चुनाव एवं 6 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। रामटेक तालुक्यामध्ये 28 ग्राम पंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे। सदर निवडणुकीकरता 5-11 मतदान आहे आणि 6-11 मतमोजणी होणार आहे। सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दिनांक 3-10 आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे, त्यामुळे सर्व या ग्रामपंचायतीमध्ये राहणारे जे मतदार आहेत त्यांना मी आवाहन करते की सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अजय मेहरकुले, रामटेक। गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेंशियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध। उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या। प्रत्येक प्लॉट बुकिंगवर 5 निश्चित उपहार, कलर LED TV, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर। आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाएं, बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध। 100% सुरक्षित गुंतवणूक, सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा। संपर्क करा